Hello all, welcome to Pinnacle. As far as your BSc IT syllabus is concerned, we will be dealing with operating system, which is the most important subject in your total curriculum towards the journey of your computer graduates. So let's move ahead with some topics. A process concept. Basically, sir, हम लोग को बताइए process मतलब होता क्या है? What is a process? Sir, process is a program in execution. मतलब सर हमारे पास आपके सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सर, वो सब प्रोग्राम्स जब एग्जीक्यूशन मोड में जाते हैं सर, तो उनको बोला जाता है सर प्रोसेस। सर आपके कहने का मतलब है सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स है वो सब प्रोग्राम्स जब भी एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे उनको हम एज अ प्रोसेस एनोटेट करेंगे। यस सर। अ प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोग्रेस इन अ सीक्वेंशियल फैशन। सर मतलब जैसे कि आपका प्रोग्राम होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोग्राम है सर 100 और 200 लाइंस का, तो व्हाट इट इज सेइंग एज ऑल द प्रोग्राम्स और ऑल द प्रोसेसेस शुड एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंशियल फैशन। सर मतलब सर सीक्वेंशियल फैशन में हमारे सारे प्रोग्राम्स प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने चाहिए। A program is passive entity stored on a disk and a process is active entity that is under execution version of a program. Sir, मतलब sir program जो होता है ना वो एक passive entity होता है। मतलब क्या sir? वो एक executable file होता है जो disk पे stored होता है, वो और कुछ नहीं करता sir, बस एक disk है sir हमारे पास, वो disk में एक particular जगह बना के वहां पे एक program stored होता है sir, बस that's it. सर तो प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होता है सर, क्यों? क्योंकि ये जो सेकेंडरी स्टोरेज में जो प्रोग्राम है सर, ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन मोड में जाएगा, जब वो एक्टिव होगा तब वो प्रोसेस बनेगा, इसीलिए प्रोसेस को बोला जाता है एक एक्टिव एंटिटी, और प्रोग्राम जो होता है वो एक पैसिव एंटिटी होता है। ऑब्वियस बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडेड इन टू द मेमोरी। ये जो प्रोग्राम होता है सर, ये जो प्रोग्राम है ये आपके पास जो मेन मेमोरी होता है सर, सर मतलब जो आपका रैम होता है ना सर, वो रैम में जब ये प्रोग्राम लोड होगा सर, कहां से सर? आपके डिस्क स्टोरेज से। आपके डिस्क स्टोरेज से जब वो प्रोग्राम रैम में लोड होगा सर, तब जाके एक्चुअली उसका एग्जीक्यूशन चालू हो जाता है सर। तो रैम में जब प्रोग्राम लोड होगा तो उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है सर, वो सब फाइल्स मेमोरी में लोड होंगे और उसके बाद ही आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, मतलब सर वो प्रोसेस बन पाएगा। सर अगर ऐसा है तो हमारे सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं सर, जब भी हम लोग वो प्रोग्राम्स को डबल क्लिक करेंगे, सिंपली डबल क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम प्रोसेस बन जाएगा। यस, अगर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल है, अगर वो फाइल एग्जीक्यूटेबल है, अगर वो पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लायक है तो ऑब्वियस है वो प्रोसेस बनेगा, नहीं तो एरर देगा सर, एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो प्रोसेस नहीं बनेगा सर, समझ में आ रहा है? और प्रोसेस नहीं बन रहा है सर इसका मतलब वो रैम में स्पेस नहीं ले सकता सर, समझ में आया? ये प्रोसेस का एक बेसिक था, ठीक है। अब बात आती है सर प्रोसेस के मल्टीपल पार्ट्स की। सर मतलब सर प्रोग्राम है, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन मोड में गया तब प्रोसेस बन गया, ठीक है सर। और जब वो प्रोसेस बना तो उसके कुछ पार्ट्स क्रिएट हुए सर। सर मतलब चलो देखते हैं, टेक्स्ट, डेटा, हीप, स्टैक और अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसेस। सर मतलब वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। टेक्स्ट सेक्शन, प्रोग्राम कोड एंड करंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर प्रोसेसर रजिस्टर्स। सर मतलब आपका जो प्रोग्राम है जब वो प्रोसेस बनेगा तो सर ये जितने पार्ट्स आपको दिख रहे सर, ये सब पार्ट्स में वो प्रोसेस डिवाइडेड होगा सर। क्यों? सर इट्स बेटर टू बी डिवाइडेड इनटू द पार्ट्स सो दैट ऑल द डिफरेंट सिनेरियोज विल बी सेग्रीगेटेड। सर मतलब देखो सर, आपका प्रोग्राम का कोड अलग है सर, अलग जगह पर रखा है सर। प्रोग्राम के कोड के साथ जो प्रोग्राम काउंटर होता है ना सर, सर मतलब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है ना,
वो होता है सर प्रोग्राम काउंटर। सर मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 इंस्ट्रक्शंस है सर प्रोग्राम में, तो अगर हम लोग उसको डिस्कस करें सर 0 to 99 इंस्ट्रक्शंस है सर, तो 0th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद सेकंड से थर्ड, ऐसे करते करते 99th इंस्ट्रक्शन तक हम लोग को पहुंचना है टू कंप्लीट द प्रोग्राम, ठीक है ना सर। तो वो होता है सर प्रोग्राम काउंटर जो हमको एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन तक लेके जाता है। व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस हम लोग को कुछ रजिस्टर्स की जरूरत पड़ती है, सीपीयू रजिस्टर या फिर प्रोसेसर रजिस्टर हम लोग बोलते हैं ना वो सर। क्यों वो सर रजिस्टर्स, मतलब क्या हमारी जो वैल्यूज होती है ना सर, वैल्यूज वेरिएबल्स जो भी है सर, वो डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग को कुछ रजिस्टर्स का जरूरत होता है। तो कौन से रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे एंड ऑल दैट, वो इन्फॉर्मेशन हमारे इस पार्ट में सेव्ड होगा। नेक्स्ट है सर स्टैक सेक्शन। स्टैक सेक्शन क्या होता है सर, इट कंटेन्स टेम्पररी डेटा एज फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेसेस, लोकल वेरिएबल्स। सर मतलब क्या सर, जब हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं ऑब्वियसली सर वो प्रोसेस बनेगा, तो जब वो एग्जीक्यूशन चालू होगा सर तो कुछ टेम्पररी डेटा जनरेट होगा सर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग फॉर सम सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्निक, तो हम कुछ टेम्पररी वेरिएबल जनरेट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो होता है आपका टेम्पररी डेटा। फंक्शन पैरामीटर्स, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो मेन फंक्शन से सबॉर्डिनेट फंक्शन की तरफ दिए जाते हैं। फिर वो फंक्शन का काम होने के बाद जो रिटर्न एड्रेस होता है ना, जहां पर आपको वो वैल्यू या फिर रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन जो रिटर्न करना है ना सर, वो उसका एड्रेस स्टोर करना, फिर लोकल वेरिएबल जो आप यूज कर रहे हैं व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोग्राम, वो सब आपके स्टैक में स्टोर होते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा सेक्शन सर। सर यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल स्टोर होते हैं सर। सर ग्लोबल वेरिएबल मतलब सिर्फ आपका ही प्रोग्राम वो वेरिएबल्स को यूज नहीं कर रहा सर, या फिर आपके ही एक प्रोग्राम में, आपके एक प्रोग्राम में कौन से ग्लोबल वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं सर। मतलब लोकल वेरिएबल जो होते हैं सर वो कुछ रिलेटेड फंक्शंस के रिलेटेड होते हैं सर, ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं ना सर वो आपका कंप्लीट प्रोग्राम ग्लोबल वेरिएबल यूज करता है सर। तो सर ये ग्लोबल वेरिएबल्स का एक एक ही कॉपी होगा, यस सर एक एक ही कॉपी होगा सर। क्यों, बिकॉज सर आप अगर चेंज करोगे उस वेरिएबल में तो उसके मेन इंस्टेंस में ही चेंज होगा, उसका कहीं और इंस्टेंस अवेलेबल ही नहीं है सर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए ग्लोबल वेरिएबल। सब फंक्शंस उसको यूज करेंगे सर। सर सब प्रोग्राम्स मतलब सर आपका अगर एक प्रोग्राम है ना सर, तो इस प्रोग्राम के कुछ चाइल्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं सर, उसी प्रोग्राम के कुछ चाइल्ड प्रोग्राम भी होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं सर प्रोसेस है, तो सर एक पैरेंट प्रोसेस हो सकता है सर और एक चाइल्ड प्रोसेस हो सकता है सर, जो कि इसी पैरेंट प्रोसेस की तरफ से बनाया गया है। इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि या तो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम या तो उस प्रोग्राम के साथ जितने भी चाइल्ड प्रोग्राम चाइल्ड प्रोसेसेस एसोसिएटेड है सर, वो सब उन ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करेंगे सर। समझ में आ गया? तो वो सब इंफॉर्मेशन हमारे डेटा सेक्शन में स्टोर होता है सर। नेक्स्ट वन इज हीप सर, हीप सेक्शन। सर हीप क्या करता है सर, डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी जो होता है सर रन टाइम पे उसको स्टोर करता है सर। मतलब हीप में जो आपका हीप सेक्शन होता है ना हर एक प्रोसेस का, दैट हीप कंटेन्स डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम। सर क्यों, देखिए सर अगर मैं किसी प्रोग्राम को किसी प्रोसेस को पहले से मेमोरी असाइन करके रखूं, तो वो प्रोग्राम को उतना मेमोरी लगने वाला है नहीं लगने वाला हमको क्या पता सर। एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर वो पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर वो पर्टिकुलर प्रोग्राम ने सिर्फ इतना ही स्पेस यूज करना है सर, तो इतना स्पेस तो वेस्ट हो जाएगा ना सर। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ मेमोरी दैट इज डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं सर, तो वो हीप पार्ट में स्टोर होता है सर, ठीक है। तो ये आपके प्रोसेस के कुछ मल्टीपल पार्ट्स थे। सो मूविंग अहेड प्रोसेस स्टेट। सर आपका जो प्रोसेस होता है ना सर, जो हम लोग ने डिस्कस किया कि प्रोग्राम होता है सर, प्रोग्राम का जब अंडर एग्जीक्यूशन चालू होता है तो सर वो प्रोसेस बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना सर, ये प्रोसेस व्हाइल इट्स एग्जीक्यूशन जनरल बहुत सारे स्टेट्स में पास ऑन होता है सर। सर मतलब क्या सर, जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन होता है सर, तो उसका जब एग्जीक्यूशन जर्नी चालू होता है तो वो किसी एक स्टेट से चालू होता है
और वो खत्म कहीं और होता है सर, तो उसको बोला जाता है सर प्रोसेस स्टेट्स। ठीक है, तो प्रोसेस स्टेट्स जो होती है सर, उसमें पहला है सर न्यू स्टेट। मतलब सर वहां पर क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो क्रिएट होता है, मतलब न्यू प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, तो सर ये जो प्रोसेस है ये जब तक आप सीपीयू की तरफ नहीं देते सर, तब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। यस एग्जैक्टली, बट बिफोर गोइंग टू सीपीयू बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जिसमें प्रोसेस पास ऑन होता है। तो पहला स्टेट है सर न्यू स्टेट। ठीक है, तो यहां पर जो है प्रोसेसेस क्रिएट किए जाती है। नेक्स्ट स्टेट है सर रेडी स्टेट, मतलब वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए एडमिट हुआ है सर। तो द प्रोसेस इज रेडी विथ ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू गेट एग्जीक्यूटेड एंड वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर। जैसे कि सर हम लोग ने यहां पर डिस्कस किया कि हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू का जरूरत है, लेकिन बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द सीपीयू प्रोसेस कुछ स्टेप्स से गुजरता है सर, कुछ स्टेट से पास आउट होता है सर। तो न्यू स्टेट के बाद जब प्रोसेस रेडी स्टेट की तरफ मूव होता है तो एक्चुअली वो प्रोसेस आपके एग्जीक्यूशन के लिए एडमिट हुआ है। तो वाइल गेटिंग रेडी आपका जो प्रोसेस है वो बहुत सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के साथ एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होता है और वेट करता है टू असाइन टूवर्ड्स द प्रोसेसर। सर आपके कहने का मतलब है इस स्टेट के बाद आपका जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली सीपीयू को सबमिट होगा फॉर एग्जीक्यूशन पर्पस। यस सर, उसी को हम लोग बोलते हैं रनिंग स्टेट। सर यहां पर देखिए हम लोग ने नोट किया है शेड्यूलर डिस्पैच। सर शेड्यूलर डिस्पैच मतलब क्या, जब उस प्रोसेस का नंबर आएगा, जब वो प्रोसेस अपने पूरे इंफॉर्मेशन के साथ रेडी होगा तब वो सीपीयू की तरफ मूव होगा सर, और उसको बोलेंगे सर हम लोग रनिंग स्टेट। उसको बोलेंगे सर हम लोग रनिंग स्टेट, मतलब आपका शेड्यूलर डिस्पैच क्या करेगा, आपके रेडी प्रोसेस को रनिंग स्टेट में डालेगा, दैट इज एग्जीक्यूशन टुवर्ड द सीपीयू। सर ये आपने क्या लिखा है सर इंटरप्ट। सर इंटरप्ट मतलब क्या कि आपका जो अंडर एग्जीक्यूशन प्रोसेस है जो सीपीयू की तरफ सेंड किया गया है फॉर एग्जीक्यूशन, वो प्रोसेस अगर किसी रीजन की वजह से उसका एग्जीक्यूशन अगर स्टॉप हो रहा है, इंटरप्ट हो रहा है, तो वो वापस रेडी स्टेट में जाएगा। सर मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है सर, वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन चालू था उसका, अचानक से सर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस ने वो एग्जीक्यूशन इंटरप्ट किया सर, उसकी वजह से मेरा जो अर्लियर प्रोसेस था वो वापस रेडी स्टेट में आ गया सर। रेडी स्टेट में क्या होता है सर, एक क्यू मेंटेन्ड होता है सर, जो क्यू आपके प्रोसेसेस के लिए होता है सर, और वो क्यू के अकॉर्डिंगली ही आपके जो प्रोसेसेस है वो रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट मूव होते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट इज सर वेटिंग स्टेट। द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। यहां पर क्या होता है सर कि अगर मेरा कोई प्रोसेस है जो अंडर एग्जीक्यूशन है, कुछ आईओ ऑपरेशन की वजह से वो प्रोसेस वेट स्टेट में चला जाता है सर, कुछ आईओ ऑपरेशन की वजह से वो प्रोसेस वेट स्टेट में चला जाता है, तो दैट इज नथिंग बट वेटिंग स्टेट। जैसे ही सर वो आईओ ऑपरेशन और वो जो इवेंट है वो खत्म हो जाता है, वो प्रोसेस वापस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है सर। सर तो इसका मतलब वो प्रोसेस वापस इस क्यू में ऐड हो जाएगा सर। यस सर, वो क्यू में ऐड हो जाएगा, जब उसका नंबर लगेगा तब वो रेडी टू रनिंग स्टेट जाएगा सर। समझ में आया। लास्ट वन इज टर्मिनेटेड स्टेट। सर सर मतलब अगर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है सर, तो वो एग्जिट फंक्शन को कॉल करके अपना एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया है ऐसे इंडिकेट करेगा बाय एंटरिंग इनटू द टर्मिनेटेड स्टेट। सर इसका मतलब है यहां पर प्रोसेस का पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, एंड हो गया सर, उसके बाद वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर नहीं पाएगा। हाँ कर पाएगा अगर यूजर ने उसको वापस रिस्टार्ट किया तो वापस यहां से एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा, सेम सिनारियो रिपीट होगा वापस। समझ में आ गया। सो ये जो डिस्कशन था ए रिलेटेड टू प्रोसेस स्टेट था। ये जितनी भी प्रोसेसेस है 1 2 3 4 5 ऑल दिस फाइव प्रोसेसेस स्टेट्स
are also called as five state process model, are also called as five state process model in operating system. Samajh mein aa gaya? So students, there are many more topics to go in our operating systems. So we'll be discussing those topics in our future lectures. Till then, thank you.